यानी मौलाना कासिम और क्या नाम है फराह फैज़, एक पुरुष है और एक महिला है, एक पुरुष है और एक महिला है। डिबेट जी न्यूज चलवा रही है, डिबेट पर मौलाना है, उसके साथ महिलाएं हैं, मुद्दा है। आज से पहले जो मेरा लाइव था उसमें मैंने यही कहा था कि लोग तर्क करने में या मुद्दा पर डिबेट करने में उग्र रूप ले लेते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं, जिसका नतीजा आए दिन हम लोगों को मीडिया में देखने को मिलता है। उग्र रूप हुआ तो वसीम रिजवी को झांपड़ लगा, बहुत अच्छा लगा। उग्र रूप में आ गया, डिबेट घूमने लगा तो वसीम रिजवी को झांपड़ लगा, बहुत अच्छा लगा। आज के डिबेट में भी उग्र रूप हुआ, मुद्दा कोई भी हो, मसला कोई भी हो, तर्क कोई भी हो, वितर्क कोई भी हो, सवाल जवाब कोई भी हो, लेकिन उग्रता आ गई। तो क्या हुआ, एक महिला ने मौलाना को दे झांपड़, एक झांपड़ मार दी। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाइयों, ये जो न्यूज चैनल काम करा रही है, यानी मुर्गा मुर्गा से लड़ाई करवा, अब तो मुर्गा मुर्गी से लड़ाई हो गया। आज से पहले जी न्यूज जैसी भटियारी चैनल पे मैंने केवल पुरुषों को लड़ते हुए देखा, पुरुषों को पुरुषों के साथ हाथापाई करते हुए देखा, लेकिन मुर्गा से मुर्गा को लड़ते हुए देखा। लेकिन आज जी न्यूज की ये स्थिति हो गई है कि वो मुर्गा से मुर्गी को लड़वा रहा है, यानी मुर्गा मतलब मौलाना जी, थोड़ा मुश्किल होगा, प्लीज आप लोग कॉल ना करें। तो मुर्गा से मुर्गा का लड़ाई इससे पहले होता था जी न्यूज पर, आज के डेट में मुर्गा से मुर्गी की लड़ाई करा के लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है और जी न्यूज अपना पैसा, अपना टीआरपी कमा रही है। तो मेरे भाइयों, एक फोकस तो मैं दे दिया, दूसरा फोकस पे अब आते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। जब एक महिला और एक पुरुष में डिबेट होता है, जैसे अभी हो रहा था, तो मुद्दा, मैंने बोला कि मुद्दा कोई भी हो, मसला कोई भी हो, एक उग्रता और एक शालीनता दोनों मायने रखता है। अगर जी न्यूज के एंकर्स, जी न्यूज वाले जितने भी हैं जो डिबेट कराते हैं, बजर सिस्टम रखे, बजर सिस्टम बोले तो 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 5 मिनट बोलने के बाद अपने आप आपकी आवाज कट जाएगी, उस प्रकार का अगर डिबेट कराए, या 10 मिनट आपका डिबेट कराया जाएगा, 10 मिनट आप बोलेंगे, 10 मिनट फलाना बोलेगा, 10 मिनट ढिकाना बोलेगा, अगर इस प्रकार से अगर जी न्यूज जैसी भटियारी चैनल, उसको मैं भटियारी इसलिए बोलता हूं कि उसमें सब भटियारा ही भरा हुआ है, वो सबको देश से विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम का बात लेके आएगा, तलाक हलाला इसका बात लेके आएगा, देश में क्या हो रही है आम जनता के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, इस बात से भी आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। अब आते हैं, कम टू द पॉइंट, मौलाना जी मतलब मुर्गा और फराह फैज मतलब मुर्गी, वो एक सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील है, सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील है। भले ही उनका प्रोफेशन जो हो, लेकिन डिबेट में जब वो बैठी है तो वो पुरुष है, वो महिला नहीं है, क्योंकि पुरुष के बराबर में अगर महिला आके डिबेट करती है, बहस करती है न्यूज चैनल पे, तो उसको महिला के गिनती में नहीं रखा जाएगा, मतलब उसको योनि नहीं है, उसको लिंग माना जाएगा। तो ये जो फराह फैज नाम की महिला है, उनको महिला की श्रेणी में आप लोग ना रखें। सबसे पहले मैं दोस्तों चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें और डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि जो पॉइंट है उसको जग जाहिर करना लाजिम है। तो ये जो फराह फैज है, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील, आज के समय में आके मौलाना लोग के साथ और आम तमाम लोगों के साथ डिबेट कर रही हैं, डिबेट करने के बाद मुद्दे पर बात बढ़ती जाती है और उन्होंने मौलाना जी पर एक झापड़ चला दिया, मतलब एक महिला हो के मौलाना के ऊपर एक झापड़ चलाया, जैसे कि आप लोग लाइव डिबेट में देख रहे हैं। झापड़ चलाने का काम सबसे पहले उस महिला वकील ने किया। तो जब आप डिबेट में आ रही हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, एज ए मुस्लिम है, आप एक मुस्लिम है, पहली बात कि आप मुस्लिम है, तो आए दिन जो भी ये जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो सोशल एक्टिविटी है, जितने भी हैं, उनका एक तहजीब होता है, आपके पास वो तहजीब भी नहीं है, इसलिए ना आपके पास
हिजाब है, ना ही आपके पास बोलने का सालिमता है, ना ही ढंग है। तो आपको मुस्लिम खैर लोग बोले या आपका नाम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप पुरुषों के बीच में डिबेट करने आ रही हैं तो आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, आपको अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए। मौलाना जी जवाब दिए जा रहे हैं। अब वो जवाब का मैटर जो भी हो, डिबेट में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और आज यही कारण है कि लोग धैर्य का यूज कर रही है, जी न्यूज लोगों को धैर्य का यूज कर रही है डिबेट पर। मौलानाओं का हिंदुओं से लड़वा रही है, हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम को पीट रहा है, मुस्लिम को पीट रहा है, धैर्य का यूज कर रही है, यानी पेशेंस का यूज कर रही है, टीआरपी कमा रही है, पैसा कमा रही है। और यही ये धैर्य जो होता है, जिसको लोग पेशेंस बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है आज के समय में आम आदमी के बीच में। जी न्यूज धैर्य का यूज कर रही है, आम आदमी अपना धैर्य खो दे रहा है। आम आदमी देख रहा है कि लाइव टेलीकास्ट में 125 करोड़ की जनता उसको देख रही है, जब लाइव में बैठ के लोग धैर्य खो दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर झांपड़ चला दे रहे हैं, तो हम लोग तो आम जनता है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये